स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर इंडस्ट्री में। आज हम लोग बात करेंगे जी फोर्स RTX 30 सीरीज के बारे में, यानी कि 3070, 3080, 3050, ये सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बात यह समझिए, GPU भी एक साइकिल फॉलो करता है, जैसे DDR3, DDR4, DDR5, ये सब साइकिल में आता है। ऐसा नहीं कि होता DDR5 आ जाए तो अगले साल DDR6 आ जाए, गैप होता है। जनरली रैम में कहिए 5 से 8 साल का गैप रहता है, तो GPU में गैप जो है, अगर आप पिछले 10 साल का देखें, यानी 2010 से देखेंगे, तो गैप जनरली आ रहा है 2 साल का। और ये गैप में ऐसा नहीं होता नया कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब आप कार्ड कभी खरीद लें लेकिन उसका आर्किटेक्चर पुराना रहेगा उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि नया अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ये साइकिल का अंडरस्टैंडिंग होना बेहद ज़रूरी है। और ये समझिए, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर आप सही टाइम पे खरीदें, बहुत लंबे टाइम तक आपके पास ये रहेगा कि ठीक है, मेरे पास बम बम कार्ड है, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा नहीं कि तुरंत ही आउटडेटेड हो गया, वो बहुत फायदेमंद रहता है। और अगर आप बहुत रुक जाते हैं, कि काफी लोग कह रहे हैं दाम घटने तो दाम घटने तो दाम घटने तो अब ये होगा कि आप ऐसा चीज खरीद लेंगे जो एक्सपेंसिव होगा और आउटडेटेड भी होगा। तो इसका जैसे एग्जाम्पल के जरिए अभी जो रिसेंटली सबसे बड़ा 2080 Ti, जो कि बहुत महंगा कार्ड है, 75,000 से ऊपर का कार्ड है, उससे भी ज्यादा का कार्ड है वो। अभी जो लोग खरीदे होंगे उनका कार्ड मतलब 50,000 वाले कार्ड से मतलब कम परफॉर्मेंस देता है। तो इसी कारण से ये रुक के सस्ता होने का इंतजार करना आपके लिए हर बात फायदे नहीं रखता है, क्योंकि GPU साइकिल चेंज होता रहता है। और ये समझिए, टेक इस तरह से चेंज होता है, कई बार ऐसा होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 460 से अगर आप 570 गए, 680 गए, 780 गए, ऐसे ऐसे करके जब जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं हो रहे, लेकिन कई कई बार ऐसा होगा कि बम बम चेंज हो जाता है। तो उसमें यह साइड इफेक्ट होता है कि जो आपका पुराना टेक था वो आउटडेटेड हो गया। जैसे मान लीजिए अभी कुछ साल पहले ये समस्या लोगों के साथ आई कि काफ़ी लोग 20 सीरीज रिलीज हुआ, उसका दाम बहुत ज़्यादा था, 20 सीरीज पागल जैसा दाम रिलीज किया गया था। तो काफी लोग बोले क्या काम करते हैं 10 ले लेते हैं, लेकिन उसी के बाद 20 सीरीज में AI वॉइस प्रोसेसिंग आया जो कि काफ़ी भयानक है। मैं चाहूँगा अपने लाइव स्ट्रीम में इस्तेमाल करना, लेकिन मेरे पास 10 सीरीज का कार्ड है, तो उसमें जो लोग लिए होंगे लटक गए, उनको फीचर्स ही नहीं मिला, समझिए पुराना टेक्नोलॉजी उनका आउटडेटेड हो गया, यूजलेस हो गया। जिनको स्ट्रीमर्स करना था उनके लिए वो बहुत फायदेमंद चीज़ था, लेकिन वो था ही नहीं उनके पास 10 सीरीज कार्ड में। 10 सीरीज सस्ता था लेकिन सस्ता हो लेकर लटक गए। तो इसीलिए समझिए, अब बात करते हैं कि कब आपको बदलना चाहिए। हमेशा एक जंप लीजिए, यानी कि अगर आपके पास 900 सीरीज कार्ड है तो आपको 20 सीरीज जब आया था तब आप ले सकते थे। आपके पास मान लीजिए 10 सीरीज है तो 20 खरीदने की जरूरत नहीं है, 10 है तो 30 का इंतजार कीजिए, हमेशा एक छोड़ दीजिए। क्योंकि जनरली कंप्यूटेशन का पूरा ये मतलब 50 साल से आप ग्राफ निकाल के देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि आज है तो कल कुछ बहुत ज़्यादा बम बम है, गैप बहुत कम ही कभी होता है कि नहीं ये बदल लेना फायदेमंद है। जैसे कि मोबाइल के केस में ज़्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं हो रहा है, हाँ लेकिन LCD से OLED में जाने में वो चेंज हो गया, तो ग्राफिक्स कार्ड में वैसा कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए आपके पास एक छोड़ने का बहुत आराम से है। जैसे मान लीजिए आपने अभी तक 22 सीरीज का लिया है, 20 सीरीज का, कोई बदलने की जरूरत नहीं, हार्ड बनाने का कोई जरूरत नहीं, उतना फर्क नहीं आगे जितना वो लोग बेंचमार्क में या लैब में दिखाते हैं, रियल लाइफ में उतना नहीं। लेकिन हाँ, अगर 10 है तो अभी बदलने का टाइम सबसे बम बम है। तो ये समझिए, GPU साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। और ये साइकिल को समझेंगे आपको ये नहीं लगेगा मैंने खरीदा नया कार्ड और पुराना हो गया, नया खरीदा ज़्यादा दिन रहा नहीं मार्केट में, वो साइकिल को समझना बेहद जरूरी है, 2 साल का साइकिल होता है। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या बदला गया है इस बार। तो इस बार बदला ये क्या है कि आर्किटेक्चर समझना ज़रूरी होता है, मॉडल नंबर के पीछे मत भागिए, रेट कूलर, ओवरक्लॉकिंग, बिग पिन, ये सब के पीछे मत भागिए, वो सब बोर्ड वेंडर करते हैं, यानी कि आसूस करेगा, MSI करेगा, गीगाबाइट करेगा, वो सब में उतनी इंटरेस्टिंग बात नहीं थी। मेन होता आर्किटेक्चर, यानी जान। जान क्या है? तो पास्कल 10 सीरीज के लिए रिलीज किया गया था, पास्कल के बाद वोल्टा बनाया गया, वोल्टा पब्लिक को रिलीज नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि समझिए एनवीडिया के पास अब 2 ब्रांच हो गए हैं। एनवीडिया का एक ब्रांच है बमबम जो संभालता है इसको, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर ग्राफिक्स कार्ड को, दूसरा डिपार्टमेंट वो सुपर कंप्यूटर को संभालता है, यानी कंप्यूटेशनल कार्ड्स बनाते हैं, वो उनका ज़्यादा प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट है। तो वोल्टा उसमें रिलीज़ किया गया और टेस्ट वेस्ट कर गया, और उसमें पहली बार इन्होंने RTX जैसा एल्गोरिदम्स का टेस्टिंग की थी। तो वोल्टा पब्लिकली रिलीज़ नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद टूरिंग रिलीज़ किया जो कि 20 सीरीज़ में लॉन्च किया गया था, तब RTX पहली बार पब्लिक के हाथ में है कि RTX हो क्या सकता है। और फिर उसके बाद टूरिंग का ही बड़ा भाई मतलब नया आर्किटेक्चर फिर से फाइनल रिफाइनमेंट के बाद एम्पियर रिलीज़ किया गया, एम्पियर होगा 30 सीरीज़ का कार्ड। तो ये समझिए, तो ये आर्किटेक्चर चेंजेस बड़े बड़े होते हैं। वोल्टा मिसिंग हो गया, ऐसा एनवीडिया के साथ कई बार हुआ, आप लोगों में से ध्यान देंगे एनवीडिया कोई भी 800 नहीं आया, 5 आया, 4, 5, 6, 7, 8 गैप हो गया, 9 आया, 9 के बाद 10 आया, ऐसे ऐसे करके चलते गए। तो वोल्टा की तरफ पहले भी इनके बात हो चुके थे कि आर्किटेक्चर पर मेहनत की, लेकिन वो उतना अच्छा यील्ड नहीं दिया कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो जंप कर जाते हैं, कई बार होता है ऐसा। तो इसीलिए वोल्टा के पीछे मत भागिए, टूरिंग से ऊपर आप जा रहे हैं एम्पेयर पे। तो और ये सब जानना जरूरी है, इसलिए होता है कि कई ग्राफिक्स कार्ड में सिर्फ नाम रहता है, नंबरिंग नहीं रहता, जैसे कि टाइटन, GTX टाइटन, RTX टाइटन। तो RTX टाइटन तो दोनों हो सकता है, ट्यूरिंग भी हो सकता है, एम्पेयर भी हो सकता है, इसीलिए ये सब समझना जरूरी होता है। अब बात कीजिए कि एनवीडिया का
कोर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो होता है टीएसएमसी से। अब टीएसएमसी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, ये बम बम कंपनी है, मतलब बहुत बड़ी है, मतलब आधा से ज़्यादा चीज़ जो आपके हाथ में वो यहीं से आया है। तो इसको हटाया जा रहा है, इनके पास जाया जा रहा है सैमसंग के पास। तो टीएमसी को पूरा नहीं हटा रहे, मतलब इनका 7 नैनोमीटर का जो चिप बनेगा वो इन्हीं के पास बनेगा, लेकिन मास पब्लिक के लिए यानी कॉमन कंज्यूमर के लिए जो बनाया जाएगा वो सैमसंग के पास बनाया जाएगा, सैमसंग 8 नैनोमीटर में बनाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि टीएमसी और TSMC और सैमसंग दोनों 8 नैनोमीटर में काम कर सकते हैं, लेकिन सैमसंग का यील्ड रेट ज़्यादा है, यानी कि 100 चिप्स के लिए उन्होंने मटेरियल खपत किया है। ठीक है, सिलिकॉन को फ्री का चीज़ नहीं आता, सिलिकॉन का इंगट जो बनाया जाता है बहुत महंगा होता है, और एक एक इंगट को एक साथ प्रोसेस करना होता है, आप छेड़खानी नहीं कर सकते उसमें। उन्होंने 100 के लिए लिया तो ऑलमोस्ट 90 उनका सही निकल जाता है। TSMC के साथ ये हो रहा है कि वो निकालते हैं और फुस बहुत निकलता है, ये आप अभी रिसेंटली देखे होंगे इंटेल के साथ वही यील्ड परफॉर्मेंस के चलते दिक्कत हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि वो 7 नैनोमीटर नहीं बना पा रहे या 10 नहीं बना, उनका यील्ड उतना अच्छा नहीं है, उनका फैब लैब्स का यील्ड अच्छा नहीं कि 100 बनाने की कोशिश करते हैं और 85 बन रहा है, तो इसी कारण से सैमसंग में कूदा। तो इससे फायदा ये हो रहा है कि दाम थोड़ा सा कंट्रोल में है, क्योंकि 20 सीरीज में काफी लोग ध्यान देंगे कुछ जरूरत से ज्यादा दाम भाग गया है। तो हो क्या रहा है, आपको मिलेगा क्या? ठीक है, ये सब तो हो गया फैक्ट्री वाले डिपार्टमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है RTX में जितनी गलतियां हुई थी पिछले बार उसे सीख के समझ के RTX का Gen 2 दिया जा रहा है। तो अब RTX चलाने में आपका ऐसा नहीं होगा साइड इफेक्ट, क्योंकि पुराने RTX में ये था कि अगर आप रेजोल्यूशन बढ़ाते रहे तो आपका फ्रेम रेट घट जा रहा है। अब आप दोनों बढ़ा सकते हैं, फ्रेम रेट बढ़ाइए और रेजोल्यूशन बढ़ाइए, RTX को और हैंडल कर लेगा, हम संभाल लेंगे, तो वो फायदा हो रहा है। दूसरा, कंप्यूटेशनल के लिए यानी कि AI के लिए आजकल तो काफ़ी सारे कोशिश गेम में कोशिश किया जा रहा है, जो मतलब बॉट्स AI हैं वो डायरेक्ट ग्राफिक्स करने, और जिनको मतलब वीडियो रेंडरिंग करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, वो सब के लिए टेंसर कोर बहुत ज़रूरी होता है। तो टेंसर कोर का भी 3rd जेन दे रहे हैं, तो वो भी काफ़ी रिफाइंड और पॉलिश्ड है। और चूंकि एनवीडिया इस बार थोड़ा अलग तरीके से गेम खेल रहा है, क्योंकि जनरली क्या होता है प्रोसेसर आपका इफिशियंट हो गया ना तो उतने पावर में रखो जितना पहले था, मतलब पहले 200 वाट का था अभी भी 200 रखो। तो इस बार ये क्या कर रहा है एनवीडिया, ठीक है 200 वाट का पिछला कार्ड था अब हम 300 का बनाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर इफिशियंसी अच्छी नहीं रहे पावर बढ़ाने से एक्सपोनेंशियल हीट आउटपुट होता है, यानी आपका प्रोसेसर खुद को ही पका देगा, आप बना ही नहीं सकते हैं ज़्यादा पावर का प्रोसेसर। लेकिन जब इनका यील्ड अच्छा हो गया यानी पर वाट टेराफ्लॉप्स बहुत अच्छे हो गए, तो इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं बड़ा बनाते हैं, बम बम बनाते हैं। तो बम बम चीज़ बना रहे हैं, बम बम परफॉर्मेंस आएगा लेकिन बम बम हीट भी रिलीज होगा। तो उसके लिए इन्होंने डिफॉल्ट कूलिंग, मतलब कि जो एनवीडिया खुद बोले जैसे फाउंडर्स कार्ड्स बोले जाएंगे, वो सब में डिज़ाइन में काम किया गया है कि कूलिंग पे पूरा मेहनत करो। इनका वो ब्लोअर स्टाइल का कूलर हटा दिया गया, और RTX का जो डुअल सिस्टम था उसमें भी रिफाइनमेंट किया गया है कि अब मतलब ये स्ट्रेट थ्रू कूलिंग दे रहा है। तो काफ़ी मेहनत किया गया है क्योंकि ये पावर डिमांड बहुत बढ़ा रहे हैं। और ये काफ़ी लोग अजीब लगा कि जनरली नए सीरीज के कार्ड में पावर घटाया जाता है, वो घटाने से फायदा ये रहता है कि आप उतना ही परफॉर्मेंस आएगा जितना पहले आता था लेकिन कम पावर में आएगा। जैसे मान लीजिए आपको ये लैपटॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा कर रहे हैं कि हम वो एफिशिएंसी का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम 200 से ऊपर बना ही नहीं सकते थे, वो स्वाहा हो जाता, खुद ब खुद प्रोसेसर जल जाता, लेकिन अब हम 300 तक जा सकते हैं, 300 बनाते हैं, ऐसा कार्ड देते हैं जो मतलब आप लो और बम बम खुश रहो। तो यही चेंजेस, सबसे बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए पावर सप्लाई पर ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं दाम। इस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी लोगों को थोड़ा झटका लग गया, क्योंकि 10 सीरीज का दाम ठीक ठाक था, मतलब एनवीडिया धीरे धीरे दाम बहुत टाइम से बढ़ाया जा रहा था, और अगर आप इन्फ्लेशन कॉम्पनसेट करें तो भी आपको देखेंगे क्योंकि 20 सीरीज बहुत महंगा था, बहुत ज़्यादा ही महंगा था, पागलपंती से थोड़ा ज़्यादा महंगा था। तो इस बार दाम इन्होंने कम रखा, और इस बार इन्होंने अनाउंसमेंट ऐसा नहीं कर रहे कि क्रिपल करके रिलीज नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि भैया 2080 Ti जो मतलब पिछले जनरेशन का सबसे बम कार्ड था उससे ऊपर चले जा रहे हैं, और वो भी सबसे लोएस्ट यानी सबसे लोएस्ट कार्ड यानी कि 3070 आप खरीदेंगे वो उस कार्ड को धो देगा। तो ऐसा कि और इंडिया में उतना सस्ता नहीं है, इसलिए आप डॉलर से कन्वर्ट मत करेंगे। मैं इंडियन प्राइस बताऊँ तो 3070 रिलीज़ किया जाएगा 51,000 रुपीज़ में, 3080 रिलीज़ किया जाएगा 71,000 रुपीज़ में, 3090 यानी टाइटन कार्ड जो है वो 1,50,000 पे है। ये मतलब कि ये 10 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है इंडियन टैक्स आने के चलते। अब मतलब ये एनवीडिया पे घटा सकता है या आसूस उस पर है कि वो लोग चूंकि इंडिया में डायरेक्ट ज़्यादा डीलिंग करते हैं शायद दाम कम रहे, अभी ये तो सिर्फ लॉन्च प्राइस है, दाम घट जाएगा। तो ये काफ़ी अलग तरीके का एनवीडिया का अप्रोच है, एनवीडिया का अप्रोच धीरे धीरे हर बार बढ़ाते जाओ, इस बार घटा दिए, ऐसा क्यों हो रहा है? बात ये समझिए, ये 20 सीरीज उतना बिका नहीं, मतलब इन्होंने रिलीज़ किया, मैंने आपका हाथ में बताया कि एक के बाद से दूसरा में जंप उतना नहीं होता, तीसरे में होता है, मतलब कि आज 10 मैंने खरीदा तो मैं 20 के पीछे भाग भी नहीं रहा था, 20 से 30 अब मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हो गया, तो इसी कारण से 20 उतना बिका नहीं। दूसरा, 20 में जो टेक्नोलॉजी थी यानी RTX वो किसी गेम में था ही नहीं। आप लोग में से, चूंकि मैं गेम इंडस्ट्री में काम कर चुका, मुझे पता है जैसे हमारे एक फ्रेंड थे कि अरे यार मैं एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड ले रहा हूँ उसमें फिजिक्स एक्स है, मैंने बोला गेम बताओ किस गेम में फिजिक्स एक्स है, बहुत कम गेम में था। तो वैसे ही RTX के साथ भी हुआ कि RTX बहुत कम गेम में था, और प्लस जिस गेम में था वो लोग मतलब जो भी डेवलपर्स थे वो कोशिश कर रहे थे कि
नॉर्मल वाले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंजेस ना कर दें, क्योंकि कोई भी गेम को ऐसा रिलीज नहीं करना चाहेगा कि नहीं मेरा गेम आप सिर्फ इसी में खरीद सकते हो, उसको फायदा नुकसान होगा ना। मान लीजिए एनवीडिया के कितनों ग्राफिक्स कार्ड हो, एनवीडिया के पुराने ग्राफिक्स कार्ड भी तो बहुत लोगों के पास होंगे, एएमडी का भी तो बहुत के पास होगा, ऐसा बोल दिया नहीं हमारा गेम सिर्फ नए वाले में चलता है लोग तो छोड़ देंगे। तो इसीलिए 20 सीरीज का बम बम प्रॉफिट नहीं दिया इनको, तो पहला तो वो हो गया समझ में आया नहीं दाम कुछ ज़्यादा पुश कर दी और थोड़ा सा पीछे ले आओ। फिर इकोनॉमिक अभी 2020 में दुनिया तबाह हो गई, तो इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला 2021 से 2023 तक रहेगा, बहुत बम बम नुकसान होगा। तो अगर ये अभी बहुत ज्यादा हुआ उछलने लगे लोग अब थोड़ा पैसा पे ब्रेक लगा रहे हैं कि नहीं थोड़ा सेविंग्स पे रख रहे हैं, तो इनको भारी नुकसान हो सकता था। और प्लस कंसोल आ रहा है, कंसोल में मतलब समझिए उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, मतलब कंसोल अभी तक जैसे एग्जांपल के तौर पे गेम्स भले अच्छे आ जाए, लेकिन जैसे कि होराइजन जीरो डॉन मुझे बहुत पसंद आया, मतलब गेम की स्टोरी बहुत बम्बम है, 30 फ्रेम पे चल रहा है PS4 में। तो वही समझिए कि गेम्स अब कंसोल जनरली एक जनरेशन से दो जनरेशन पीछे चलता है, और SSDs भी नहीं दिए गए थे, इस बार इसमें SSD चेंज कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा चेंजेस हो रहा है कंसोल में, मतलब टेक्नोलॉजी के तौर पे एक जंप लिया जा रहा है बड़ा, और उसके कारण से इनका दाम सस्ता है, क्योंकि ये सब लाखों पीस में बनाया जाएगा तो दाम सस्ता है, कम दाम में कंसोल्स रिलीज होंगे, और किसी को लेना देना नहीं है PC है कि कंसोल है, लेना देना गेम से। तो अगर आपका कंप्यूटर बनाने में ही खूब सारा पैसा खत्म हो जाए जो कि आप गेम में खर्च कर सकते हैं, लोग बोले भाई मैं कंसोल ही ले लेता हूँ शांति से, तो ये सब का देख है कि मतलब इकोनॉमी का हालत खराब होने वाला है। कंसोल अभी ये रिलीज करने वाले, तो अभी इनके पास वो बेनिफिट नहीं 2020 में कुछ भी करो, अगल बगल तो कुछ और है ही नहीं, कंसोल्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है, 2020 इनको सिखा दिया, इनका प्रॉफिट उतना बम नहीं रहा, तो इसी कारण से इसका दाम थोड़ा सा सेंसेबल है बहुत। और प्लस सैमसंग जो ये कर रहा है कि यील्ड ज़्यादा दे रहा है, इसलिए उनको एनवीडिया के पास उतना बफर है कि प्रॉफिट मार्जिन कम रख सकें। अब बात आपको करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, ठंडा रहे, स्टे काम, ठंडा शांति से सोचें, क्योंकि समझिए मैं गेम इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, मैं फोर्जा में काम कर चुका हूँ, स्पाइडरमैन में काम कर चुका हूँ, हेलो में काम कर चुका हूँ, इसमें काम पेडे 2 में काम कर चुका हूँ, और एक तो और था हाँ वॉकिंग डेड में काम कर चुका हूँ, तो ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। गेम को हमेशा लोएस्ट डिनोमिनेटर के लिए बनाया जाता है, यानी कि जैसे मान लीजिए GTA 5 है, तो GTA 5 वाले डेवलपर बोला ठीक है हमें GTA 5 बनाना है, तो वो बोला जाए सबसे लोएस्ट निकालो हार्डवेयर कौन सा है, जैसे मान लीजिए निकलता है कि Xbox 360 सबसे लोएस्ट हार्डवेयर है, ठीक है उसके लिए सारा चीज़ बनाओ, सारा चीज़ फोकस किया जाए कि Xbox 360 में चल सके, और फिर जब वो हो जाएगा कि नहीं हम Xbox 360 में कर लिए अब वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अच्छा PlayStation में थोड़ा ये बेटर हो सकता है थोड़ा सा। इसीलिए आप देखिए कभी भी गेम का अगर आप साइड बाय साइड देखते होंगे कि PlayStation 4 या Xbox का, हमेशा देखिए दोनों लगभग सेम दिखता है, माइनर चेंजेस होते हैं, वो इसीलिए कि गेम बनाया जाएगा लोएस्ट पे चलने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग को बोला जाता है टेक्स्चर बनाओ 2K में, आए बना दिया टेक्स्चर एकदम बम बम लग रहा है, मॉडल गर्दा उड़ रहा है, गेम में देखें 1 मिनट ये तो 512 हो गया, मतलब टेक्स्चर बहुत छोटा हो गया, ऐसा क्यों कंप्रेस करके कर दिया था क्योंकि वो एक्सबॉक्स में नहीं चल रहा था। तो ये हमेशा ऐसा किया जाएगा, और इसका ये समझिए कि कभी कभी ही होता है, जैसे कि GTA 5 का ये बहुत बड़ा बात था कि उन्होंने पूरा गेम को दोबारा बनाया PC के लिए, मतलब ऑब्वियसली दोबारा बनाया, ऐसा नहीं कि एक कोड दोबारा लिखा, दोबारा बनाया उन्होंने पूरा री आर्किटेक्चर डेवलपमेंट किया ताकि वो PC को एक्चुअली यूज़ कर पाए, नहीं तो एक्सबॉक्स बहुत गया गुजरा था PC के कंपेयर में। तो यही समझिए गेम हमेशा छोटे सबसे सब लोएस्ट यूनिट के लिए बनाया जाएगा, तो इस जनरेशन में मान लीजिए Xbox X सीरीज आता है कि वो सबसे लोएस्ट है तो सिर्फ उसी के लिए बनाया जाएगा गेम, और बाद में ये रहेगा कि अच्छा इसमें थोड़ा सा LOD चेंज कर दो, थोड़ा सा ये चेंज कर दो, ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं होगा। तो पहले तो वो इसीलिए ऐसा मत कि मैं 30 ले लेता हूँ सीरीज का ग्राफिक्स, अब बम बम दिखेगा मास्टर रेस में जो, ऐसा नहीं होता, बहुत कम गेम्स हैं जो PC मास्टर रेस के तौर पे बनाया जाता है, यानी कि PC के लिए बनाया जा रहा है, अब बम बम फ्रेम रेट है, जैसे कि एग्जांपल कंसोल अभी भी ऐसा जगह पे नहीं है कि सारे के सारे गेम आपको 60 पे मिले, जबकि PC मास्टर रेस का गेम में जैसे काउंटर स्ट्राइक आ गया, जितने भी गेम्स ये हो गए जो अनलॉक्ड फ्रेम रेट्स रखते हैं वो करीब करीब 300 फ्रेम पर सेकेंड तक जा सकते हैं, बाकी गेम जा ही नहीं सकता, जाएगा ही नहीं, वो उसका गेम इंजन में ही लिमिटेशन रखा गया है। तो इसीलिए समझिए अनलॉक फ्रेम रेट तभी मिलता है जब गेम को PC के लिए बनाया जाए, नहीं हम कंप्यूटर के लिए इसको बना रहे हैं, इसको उसके हिसाब से इसको ब्रीथ करने देंगे, बहुत कम गेम में होता है। दूसरा LODs लेवल ऑफ डिटेल होता है, आप कोई भी मॉडल देखते हैं ना दूर में जाते जाते वो मॉडल छोटा होते चला जाता है, मतलब ट्रायंगल काउंटर्स का घटता रहता है, 50,000 का आपके पास होगा, 20,000 का दूर में होगा, 10,000 का उस आधा आधा कर घटता है। ये LOD का स्विचिंग एल्गोरिदम कंसोल और PC में बहुत अलग होना चाहिए, तभी आपको PC का फील आ रहा है मास्टर रेस वाला। फिर हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर जो सबसे पहले कुर्बान कर दिया जाता है वो होना चाहिए, अगर टेक्सचर है ही नहीं, जैसे कि जीरो डाउन अभी PC के लिए पोर्ट किया गया, वो ऐसा कुछ वाव नहीं लग रहा क्योंकि टेक्सचर था ही नहीं, टेक्सचर बनाया गया था PlayStation के हिसाब से, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मत ये मत सोच के ले लीजिए कि मैं ले ले रहा हूँ बम बम चलेगा। और जैसे कि डेथ स्ट्रैंडिंग जो रिलीज़ किया जा रहा है वो भी PC के लिए मास्टर किया जा रहा है, ये सारे गेम बस उठा के डाल दे रहे हैं PC में, तो ये वैसा वो फील नहीं आ रहा कि ये 300 फ्रेम पे क्यों नहीं चल रहा है, लॉक्ड है गेम इंजन का लिमिटेशन है। इसलिए ये कूदने से पहले थोड़ा ब्रेक लगा लें कि क्या आप जो गेम के पीछे भाग रहे हैं उसको फ़ायदा होगा उतना बम बम ग्राफिक्स कार्ड से, नहीं होगा तो उसके पीछे ना भागें। दूसरा जो भी नए टेक्नोलॉजीज में बात किया जा रहा है उसका इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगता है, जैसे RTX हमारे पास पहले आ गया,
कोई यूज़ तो किया नहीं। RTX से पहले माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया था रे ट्रेसिंग एल्गोरिदम, कोई यूज़ तो आया ही नहीं क्योंकि कॉन्सोल्स में नहीं था। इस बार इसीलिए एनविडिया दाम भी कम रखा है क्योंकि अभी कॉन्सोल्स जो आने वाले हैं मार्केट में ये सब में रे ट्रेसिंग भी होगा, और जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है RTX IO, यानी कि ये लोग SSD से डायरेक्ट डेटा निकाल लेंगे। इस मामले में मैंने पे करके स्टीम से गेम खरीदा था, डेओस एक्स करके, मैनकॉइन डिवाइडेड। माई गॉड, इतना स्लो उसका लोडिंग टाइम, और SSD में बात कर रहा हूँ, मतलब गेम इंजन अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं था। तो ये सब एक कंप्यूटर का एक सीरियस लिमिटेशन है। एक्सबॉक्स में, प्लेस्टेशन में इनको समस्या नहीं, इनको पता है कि मेरा हार्ड डिस्क यही है, इतना ही स्पीड है, तो उसके हिसाब से फाइन ट्यून करते हैं। कंप्यूटर में क्या होगा, कुछ का बहुत स्लो होगा, कुछ का बहुत तेज होगा, तो और बहुत तेज यूज़ ही नहीं करेगा कंप्यूटर, ऐसे इग्नोर कर देता है। तो कई बार लोगों का दिक्कत होता है कि भैया मेरा बम इक्विपमेंट है लेकिन चल नहीं रहा है। तो इस बॉटलनेक को हटाया जा रहा है इस जनरेशन कंसोल में। ये एक चिप लगाया जाएगा जो डेटा को डायरेक्ट GPU में फीड कर देगा कि भैया तुमको CPU को बाईपास करो, तुम हमारे पास, हम डिकम्प्रेस करके GPU को दे देंगे, मेन टेक्सचर वहीं पे जाता है। तो टेक्सचर बहुत बड़ा होता है, बम बम साइज का, मतलब आपका मॉडल ज्योमेट्री जो है 1-2 MB का होगा, एक टेक्सचर उसमें नॉर्मल मैप लगेगा वो 18 MB का होगा। तो यही कर रहे हैं कि भैया फटाफट वो जो VRAM होता है, VRAM में डंपिंग और अनलोडिंग का काम CPU से हटा दो ताकि CPU सांस ले सके, और एक डेडिकेटेड इक्विपमेंट बनाओ जो इसको पूरी अच्छे तरीके से संभाल सके। ये इस जनरेशन के कंसोल का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, इसलिए बोल रहा हूँ एक बड़ा चेंज आने वाला है। फाइनली कंसोल ऐसा जगह पर आ जाएगा जहाँ पर शायद सारे गेम 60 FPS पर चल सकें। तो ये एनवीडिया रिलीज़ कर रहा है, तो क्या ये अगले साल सारे गेम में आ जाएगा? नहीं, कम से कम 2 से 3 साल लगने वाला है, ये बता रहा हूँ, टाइमिंग बहुत पहले लगता है। ये भले हो सकता है कि जो गेम पोर्ट किया जाएगा कंसोल से वापस PC में, उसमें हो ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि पहले से ही उनको बनाना पड़ेगा। एक्सबॉक्स भी यही कर रहा है, सोनी भी यही कर रहा है, और अगर PC में यह इक्विपमेंट आ गया है एनवीडिया के चलते तो लोग रखेंगे, हम दे देते हैं ऑप्शन। तो ये एक बड़ा टेक्नोलॉजी, लेकिन टाइम लगेगा आने में। और ये समझिए कि कभी भी ये सब चीज़ के पीछे मत भागिए कि ये इन्होंने नया टेक्नोलॉजी बनाया, ये आपको नहीं आने वाला। जैसे RTX के साथ काफ़ी लोगों के साथ मेट्रो एक्सोडस RTX में है, थोड़ा सा अंतर है, वो होता है सब लोगों के साथ, इक्का दुक्का गेम है कि हाँ RTX से चलते जमीन आसमान का तारा आ रहा है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, आज जो है उसके हिसाब से खरीदिए, ना कि 10 साल बाद क्या होगा। और AMD का इंतजार करने में बोलूंगा, भले चांसेस है कि उनका बहुत बम बम ना निकले, लेकिन उनके चलते अगर मान लीजिए क्लोज इनफ भी उनका परफॉर्मेंस आ जाता है तो एनवीडिया का दाम घटने लगेगा, एटलीस्ट बोर्ड पार्टनर अपना दाम घटाने लगेंगे, तो वो फायदेमंद होता है। दूसरा, अभी सप्लाई बहुत कम होने वाला है, बहुत ही कम सप्लाई होगा क्योंकि आधा से ज़्यादा फैक्ट्रीज बंद हो गई थी काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो काफ़ी सारा पाइलअप हो गया, वो पाइलअप क्लियर करेंगे फिर। अभी मतलब वर्ल्ड का इकोनॉमी ही सही हालत में नहीं है, तो कहाँ से डिमांड, सप्लाई ठीक, सप्लाई चेन टूट चुका है, तो बहुत बुरा हालत होने वाला है। तो वो कहेंगे, और यहाँ एक लाइन लिखे तो पता नहीं गायब हो गया, ये है कि आपको पावर सप्लाई पे अपना ध्यान देना होगा क्योंकि इस बार एनवीडिया थोड़ा खुल के सांस ले रहा है, तो बम बम बिजली खाएगा। तो 650 वाट से ऊपर होना चाहिए, मतलब 700 पर रहिए तब आपको शांति रहेगा। तो इसीलिए कहेंगे थोड़ा रुकिए और थर्मल टेस्टिंग होने दीजिए कि मतलब लोग इसको थर्मली टेस्ट कर चुके, नया थर्मल पे कुछ ज़्यादा ही लोग भरोसा कर रहे हैं। तो अगर टेस्टिंग पे आ जाता है कि बम्बम है अति उत्तम, मान लीजिए कि नहीं निकल रहा है तो आप बचे रहिएगा। तो एटलीस्ट मैं कहूँगा कि अक्टूबर का इंतजार कर लीजिए, पूरा अक्टूबर नहीं, और 1070 तो उसी टाइम आएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन GTX 30 सीरीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।